नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. इन अ क्वेश्चन 4, पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. क्वेश्चन 4 ये हमने किया था कि एक है लाइन सेगमेंट ए बी, उसमें एक पॉइंट है सी. गिवन था हमें कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. हमें ये प्रूफ किया था कि ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी. मान लो अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, सी इज द मिड पॉइंट. लेट सी एंड डी बी टू मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी. इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हमने क्वेश्चन 4 में क्या प्रूफ किया है? ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूफ किया है. नाउ इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन तब क्या होगा? अगर डी मिड पॉइंट है तो इसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि ए सी इज हाफ ऑफ ए बी. तो यहां पे क्या आ जाएगा? अब ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी. अगर डी मिड पॉइंट आ गया तो ए बी किसके इक्वल है? ए डी प्लस डी बी. तो इट मीन्स ए डी पूरे ए बी का हाफ है. तो ये इक्वेशन होगी 1 एंड 2. फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम देखें राइट हैंड साइड इक्वल है, तो बाय यूक्लिड्स एक्सियम कि अगर टू थिंग्स इक्वल टू सम अदर थिंग्स तो वो दोनों थिंग्स भी इक्वल होंगी. मतलब दो अलग अलग थिंग्स एक ही चीज के इक्वल है, तो इट मीन्स ए सी और ए डी भी इक्वल होंगे. ए सी और ए डी इक्वल कब होंगे? दैट इज द पॉइंट सी एंड डी कोइंसाइड्स. ए सी और ए डी तो तभी इक्वल हो सकते हैं अगर सी और डी पॉइंट एक ही हो. मीन्स जो डी है वो भी इसी पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करे, एक दूसरे से मिले, तो वो पॉइंट इक्वल हो सकते हैं. दैट इज लाइन सेगमेंट हैज, दैट इज लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन ओनली वन मिड पॉइंट. दोबारा से बता रही हूं, क्वेश्चन 4 में हमने किया था कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, सी जो पॉइंट है ए बी के बिटवीन लाई करता है. ये हमें गिवन था ए सी इज इक्वल टू बी सी. हमने दोनों तरफ ए सी एड किया. अगर हम इक्वल एड करते हैं तो जो सम है वो भी इक्वल होगा. तो यहां से ए सी आ गया था हाफ ऑफ ए बी. तो इट मीन्स अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. और अगर डी मिड पॉइंट, इट मीन्स ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. बाय यूक्लिड्स एक्सियम वन थिंग इज इक्वल टू अदर, सेकेंड थिंग इज इक्वल टू सेम. कि टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, देन दिस टू थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल. ए सी इज इक्वल टू ए डी. और ए सी इज इक्वल टू ए डी तभी हो सकता है अगर ये दोनों पॉइंट्स एक ही हो. मीन्स दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करें. इट मीन्स अगर ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं तो लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक और एक ही मिड पॉइंट होगा. नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है हमें? द गिवन फिगर इफ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी. ए सी हमें इक्वल है बी डी के. प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. अगर मैं देखूं ए सी, ए सी कैसे बन रहा है? ए बी प्लस बी सी. ए सी की जगह मैं लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी सी. बी डी, बी डी कैसे बन रहा है? बी सी प्लस सी डी. नाउ मैं इक्वल थिंग दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करती हूँ. सब्ट्रैक्ट इक्वल टर्म फ्रॉम बोथ साइड्स. सब्ट्रैक्ट इक्वल टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड. दोनों तरफ से बी सी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी. बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी. सेम थिंग है, कैंसिल हो गई. अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो भी इक्वल होते हैं. यहाँ बचा ए बी और यहाँ बचा सी डी. और यही तो हमें प्रूफ करना था. ए बी, ए सी किसके इक्वल आ गया? ए बी प्लस बी सी. और बी डी किसके इक्वल आ गया? बी सी प्लस सी डी.
हमने इक्वल सब्ट्रैक्ट इक्वल टर्म फ्रॉम बोथ साइड्स, बीसी सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड से, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम अ यूनिवर्सल ट्रुथ। फिफ्थ एक्सियम क्या है यूक्लिड का, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। अगर हम इस एक्सियम को देखें, दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस एक्सियम इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयरफोर इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अब एग्जाम्पल लो, अगर पिज्जा है, पिज्जा को आपने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पूरा पिज्जा एक सिक्स पार्ट, जो अगर आप सिक्स पार्ट को हाथ में लेते हो तो सिक्स पार्ट से तो ग्रेटर ही होगा, चाहे आप फिफ्थ पार्ट उठाओ, थर्ड पार्ट उठाओ, कोई भी पार्ट, उससे होल पिज्जा जो है वो उससे ग्रेटर होगा। आपके पास एक एप्पल है, उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर एक पार्ट पूरे एप्पल से छोटा होगा, या हम कहें पूरा एप्पल हर एक पार्ट से ग्रेटर होगा, सो होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। तो कोई भी